एंटी क्लाइमैक्स हो गया पर ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा अभी शाहरुख खान आ रहे हैं और ये आ गए मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है, तुमने अर्चना पुरन की फोटो क्यों लगा दी? सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था। एक मिनट, यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है, कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है? अरे इन्होंने खुद दिया है। क्या अर्चना जी, आपसे इतना प्यार करते हैं हम, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे आप अपने आप, ये कोई तरीका अपने आपको प्रमोट करने का? नहीं आपको करना है, आप शर्मा जी से कहिए ये करेंगे प्रमोट। अच्छा क्या कर रहे हैं आप, चलो तुम लोग निकलो। Can I have a seat? आपकी तो ऑलरेडी सीट है। या प्लीज, व्हाई नॉट, प्लीज। नमस्कार मधु जी, आयशा जी नमस्ते, यूई जी नमस्ते। मैं यूई जी ना, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, ये जो हुआ है, मतलब फोटो गलत लग गई होगी, लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं। वाह। मैं प्रूव कर सकता हूँ। दिखाइए। दिखाइए। कैसे? I will prove it. अभी आयशा की फोटो निकलेगी। करण, ये तो करण है। हुए मेरी किरण की जगह करण लिखा है। ये तो करण लिखा हुआ है। करण क्यों है? नहीं, हुआ क्या, मैं लिखवाने किरण ही गया था, लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था, अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे, करण में फ्री में लिख दूंगा। करण लिख दो, बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए जूही जी, एक मात्रा की कमी है यहाँ पे, लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है। वकील साहब, ये क्या है तरीका है आपका, ना जानना पहचान, फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं। यू जी सुना आपने, इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब मुझे पहचाना नहीं? नहीं, आपको टीवी पे देखा है मैंने। नहीं नहीं, वैसे नहीं। अरे इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर नंबर 735,555 कौन है? आपके हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है और जो आग लगती है, वो आग लगाता कौन है? आयशा जी, आप कश्मीर में पैदा हुई है ना, किसी ने सच कहा है क्या, सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं। तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए, आपका मुंह कैसे खराब हो गया? तब ऑफ सीजन था थोड़ा। थोड़ा ऐसा हवा फूंक देंगे आप? क्या ये क्यों क्यों क्या है, 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं। पहला नशा हो चुका है। ये उनका गाना है, पहला नशा पहला कुमार। यार मुझे पता है यार, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। नहीं आपका गाना, लेकिन आपका कमाल का, टू गुड सॉन्ग यूही जी। आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है, वो बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना, बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया, इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती। क्यों क्यों? जगह जगह RT-PCR। आज के दौर में इट्स रियली ट्रैवलिंग इज ए प्रोसेस। मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना, मजा बड़ा आता है। मैं रख देता हूँ। क्या कर रहे हैं यार आप, आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था, मुझे वो पैर यहाँ रखना था। तो मैं ये रख देता हूँ। ये गलत कर दिया आपने, ये वाला रख देता हूँ। अरे नहीं, अब नहीं रखना मुझे। क्या? अब मुझे खाली खुजली करनी है बस। What is this?
अच्छा वकील साहब, आप थक गए होंगे, आपका मुंह निकाल के उधर रख दूं? पॉसिबल है? हाँ, लेट्स नॉट ट्राई इट. मैं आपसे कह रहा था कि मैं वकील हूँ, केस वेस लड़ता हूँ. तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो, कुछ बाकी हो है, बहुत सारे, मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा. बहुत सारे. डबिंग के ऊपर चेक आता था, वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था. नहीं तो बस बस बस, आपको सही वकील नहीं, नहीं पर उनको नहीं केस करना. नहीं, हमें नहीं करना अभी. नहीं नहीं ठीक है, आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए मुझसे. वकील है ये, क्या मतलब वकालत से सीधा मैनिक्योर पेडिक्योर पे आ गया? देखिए आदमी सीधा रस्ते पे आ जाए उससे अच्छा है पेडिक्योर मैनिक्योर पे आए. आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई. लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं. कुछ भी हो सकता है. आग लग गई अंदर इन माय ऑफिस. एक्सक्यूज मी. अरे हमारा केस. हाय 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 हाय. मैं आपकी इतना बहुत बड़ी फैन हूँ. ये झूठ बोल रही है. कोई फैन वैन नहीं है. ये फैन नहीं हो, झूठी हो. तुम कहाँ लगी आग? अंदर अंदर चूल्हे पे आग लगी है. अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना, किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं. झूठ बोला तुमने मुझसे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते? हाँ तो सच बोलो ना. गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है. ओहो, मैं आपसे बात ही नहीं करनी. मेरे से बात नहीं कर रही हो? यार शर्मा जी एक बात बताओ, ये लड़की आपको कभी फोन करती है ना? इसको आपसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे बात नहीं करनी, तो ये शो में क्यों है? फायरर! अब लगी आग! लगी आग! फायरर! प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो. मैं ट्राई करो. आयशा जी आपका जो गाना था ना पहला नशा, मुझे बहुत पसंद है. नहीं पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही. बियर पानी की तरह पीती है ये. Yes, I understand. I'm not joking. कुछ दिन पहले हमें एक नया नया केस मिला. मैंने कहा भाई केस मिला है सेलिब्रेट करने के लिए, एक एक बियर भी लेते. 32 मजा नहीं कर रहा हूँ, 32 बियर पी है इसने. और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, सौ बार क्या क्या कहा भैया? देखिए लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया. अच्छा मैं पेश कर दूं? प्लीज. अर्ज किया है, डरता नहीं मैं. तो हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, पेश कर रहा हूं शेर. आराम से बोलो ना आप. डरता नहीं मैं मार खाने से. अच्छा डरता नहीं मैं मार खाने से. अच्छा कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से. लानत है, लानत, लानत, वाह, लानत है. हिम्मत तो देखो, इनको बुला रहे बहाने से, एक चिड़िया भी आती नहीं वकील साहब आपके बुलाने से. वाह वाह. नहीं 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 उनके लिए शायरी लेकर आया. कल ऑफिस में मुझे बता रहे कि आपसे और ग्लैमरस कोई नहीं है. हाँ तो ऑफिस में हम दो लोग बैठे थे तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.